हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज के इस चैप्टर का बच्चों लेक्चर है 11th, लेक्चर नंबर 11th यानी 11वां व्याख्यान। और आज हम बात करेंगे बच्चों अवकलन संबंधी। आपके इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों। आज प्रयास नहीं, सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रयास शब्द मैंने इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि अवकलन संबंधी हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने अवकलन सिखाया था बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो लिखा है बच्चों आपके सामने कि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण का विस्थापन x बराबर 5t² + 60+3, यानी ये दे रखा है, से व्यक्त किया जाता है। विस्थापन एक समय के फलन के रूप में दिया है, यानी यहाँ पर जो विस्थापन है वो टाइम का फंक्शन है बच्चों, किया जाता है। तो कण का प्रारंभिक वेग निकालना है तथा t बराबर 10 सेकंड पर कण का वेग एवं त्वरण ज्ञात करना है। यहाँ x मीटर में है और समय जो है सेकंड में लिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अवकलन से ही सॉल्व हो पाती हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने अवकलन सिखाया, लेकिन चूंकि एक बार में हो सकता है आप ना सीख पाए हों, तो पहले थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि अवकलन कैसे करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो मूल बात थी, हमने बताया था कि y बराबर होता है fx, यानी y x का एक फंक्शन है, फलन है। तो इसका जो अवकल गुणांक निकलता है, अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशियंट क्या होता है, dy/dx। और ये कैसे पता चलता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमें dy/dx मिल जाता है। अगर फंक्शन ये हो कि x बराबर, x जो है फंक्शन है t का, तो इसका अवकल गुणांक जब निकालोगे तो वो कितना होगा, यानी x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dx/dt। जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे वो नीचे आएगा dt। जिस फंक्शन का कर रहे हो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, वो ऊपर रहेगा dx, ये स्वतंत्र चर है नीचे रहेगा। तो ये हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था बच्चों। अब अवकलन कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। जैसे हमें एक फंक्शन दिया है y बराबर x^n, तो इसका सूत्र बताया था मैंने कि dy/dx, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx कितना मिलेगा, जो घात है वो पहले लिख दी x और एक घात कर दी कम ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे y बराबर लिखा है x^5, तो dy/dx कितना मिल गया, घात पहले लिख ली 5, x^5 अब एक घात कम कर दी, 5 में से एक कम किया बचा 4, इतना आ गया। अगर इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट लगा हो, जैसे y बराबर हो 3 × x^5, तो क्या करते हैं बच्चों, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। पिछले लेक्चर में सब बता दिया है, आप थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। तो dy/dx बराबर, अगर कॉन्स्टेंट वेरिएबल के संग में लगा हुआ है तो संग ही लगा रहता है, 3 अब यहाँ इंटू है तो इंटू, x^5 का इसी तरीके से कर दो, कितना 5x^4 और 5 हो गए 15, यानी 15x4 आ गया, समझ रहे हैं। अगर अकेला कॉन्स्टेंट होता जैसे y/3, यहाँ 3 वेरिएबल के साथ लगा था, अब अकेला होगा तो अकेले कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, dy/dx = 0। अब मैंने एक बात और बताई थी कि बच्चे यहाँ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि dy/dx लिखें कि dx/dy लिखें कि dx/dt लिखें कि du/dt लिखें कि dv/dt लिखें। तो बच्चों सीधी सी बात है कि फंक्शन जिसमें दिया हो, जैसे अगर x t का फंक्शन है तो x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt आएगा। जैसे ये होता x बराबर, यही मैंने लिखा x^5, यहाँ होता t^5, तो यहाँ क्या करते, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, x का अवकलन कर रहे हैं यानी dx, किसके सापेक्ष, t के, तो वो आ गया नीचे dt बराबर, वही नियम लगेगा, यही सूत्र लगेगा, वेरिएबल का रूप बदल गया बच्चों, यहाँ x था यहाँ t हो गया।
तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी में वही सूत्र लगेगा, यहाँ एक्स के सापेक्ष कर रहे थे तो एक्स में जो सूत्र था, तो घात पहले 5 और फिर टी लिखा और एक घात कम कर दी तो इतना हो गया। यानी नियम वही रहेंगे, चाहे टी हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, कुछ भी हो, कोई भी फंक, कोई भी वेरिएबल हो, किसी टाइप का फंक्शन हो बच्चों। और इतना आप जब सीख गए तो एक बात और, एक नियम और बताया था कि अगर बाई बराबर कई पद हों, जैसे x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, तो क्या करते हैं बच्चों, हर एक पद का अवकलन करते जाते हैं और जो चिन्ह है वो लगाते जाते हैं। जैसे यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल x है, यहाँ y है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy अपॉन dx बराबर x क्यू का 3x स्क्वायर, घात पहले लिखी और एक घात कम कर दी, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 5 माइनस 0, ये अलग करो, कॉन्स्टेंट का 0 अभी बताया था, अकेला कॉन्स्टेंट हो तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। तो dy ओवर dx कितना रह गया बच्चों, यहाँ पर dy ओवर dx रह गया 3x स्क्वायर प्लस ये हो गए 6x माइनस 0 है तो समाप्त हुआ। तो इतने नियमों को अगर सीख गए, वैसे अवकलन और भी है, बहुत हिस्सा रह गया है, लेकिन आपका काम इतने से हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अब कर सकते हैं, मूल बात यही है, इसको ध्यान रखें भाई, सीधा सा नियम याद रखें, घात पहले लिख दें उस वेरिएबल से और उस वेरिएबल की जो पहले घात थी उसको एक कम कर दें। अब जैसे मान लो ये होता बाई बराबर 1/x, तो सर इसको कैसे करें, तो इसको ऊपर ले आओ बच्चों, पहले y बराबर x ऊपर आएगा तो घात माइनस की हो गई, समझ रहे हैं। अब dy ओवर dx लगाएं, कितना आएगा देखें, माइनस 1 जो घात थी पहले लिख दी इंटू x, इसकी एक घात कम करेंगे तो माइनस 1 और इसमें से एक कम करेंगे माइनस 1 तो कितना मिलेगा माइनस 2, तो माइनस 2 बराबर माइनस का मतलब, माइनस 1 का मतलब माइनस और x की घात माइनस 2 का मतलब नीचे ले गए तो प्लस की, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया, बात समझ रहे हैं। तो इस टाइप से हो जाएंगे बच्चों, ये 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, तो घात चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो नियम यही लगेगा, कॉन्स्टेंट अकेला है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट किसी वेरिएबल के संग लगा है तो संग ही लगा रहेगा, उस वेरिएबल का अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो डिफरेंशियल कोफिशियंट है अवकल गुणांक वो कैसे लिखेंगे वो समझ गए, इधर जो फंक्शन है वो पहले dx और जिसके सापेक्ष कर रहे हो यहाँ पर t के सापेक्ष तो dt नीचे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उम्मीद है कि ये अवकलन का हमने जल्दी से रिवीजन कर लिया बच्चों और आपकी समझ में आ गया होगा, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण का विस्थापन x बराबर इतने से व्यक्त किया जाता है, x बराबर 5t² + 6t + 3 से, तो वो हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया कि हमें इक्वेशन ये दे रखी है, तो कण का प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग क्या क्या पूछा है, देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिख लो और क्या क्या पूछा है वो लिख लो, तो इससे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होती है। प्रारंभिक वेग u बराबर पूछा है और तथा t बराबर 10 सेकंड पर, यानी जब समय 10 सेकंड है t बराबर 10 सेकंड पर कण का वेग, वेग निकालना है v, और वो ये हमने क्या लिख दिया प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग निकालना है यानी क्वेश्चन मार्क, और त्वरण निकालना है, और त्वरण क्या होता है a बराबर निकालना है। अब सीधी सी बात बच्चों, वेग की बात हो रही है और त्वरण की, वेग और त्वरण की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो वेग क्या होता है वैसे, यानी t बराबर 10 सेकंड पर यानी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा है, यानी तात्क्षणिक वेग निकालना है और तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि पर्टिकुलर कि t बराबर, ये नहीं t बराबर 10 सेकंड में, t बराबर 10 सेकंड पर इतने टाइम पर कितना वेग है कितना त्वरण है। एक पूछा है प्रारंभिक,
प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग बच्चों कब होता है, जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो तभी से समय को हम प्रारंभ करते हैं। यानी ये जो प्रारंभिक वेग है वो कौन सा वेग है, जो कि टी बराबर 0 सेकंड पर होगा। बात समझ गए ना, टी बराबर 0 सेकंड पर जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा। तो अब आपको पता है कि वेग, जैसे तात्क्षणिक वेग हमने बताया था बच्चों, वेग v बराबर होता कितना है, dx बटे dt, ये बात बता चुके हैं। और त्वरण कितना होता है, त्वरण बराबर dv बटे dt। यानी हमें ये निकालने हैं dx बटे dt, dx बटे dt निकाल लिया तो वेग मिल गया, dv बटे dt निकाल लिया तो त्वरण a मिल गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है विस्थापन की, या उसकी पोजीशन निर्देशांक की, 5t² + 6t + 3। तो हम क्या करें, वेग निकालना है, चाहे प्रारंभिक निकालना हो चाहे 10 सेकंड पर निकालना हो, पहले एक जनरल इक्वेशन निकालनी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो dx बटे dt निकालना, यानी x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखें क्या मिलेगा, x का कर रहे हैं यानी dx, किसके सापेक्ष, t के यानी dt, यही तो हुआ, बराबर 5t² तो यहां वेरिएबल t है बच्चों, और 5 कांस्टेंट है तो संग में है, तो संग में बना रहेगा, और t स्क्वायर का कितना हो गया 2t, t स्क्वायर का एक घात कम की तो 2, और वो 2 पहले लिख दिया और स्क्वायर था तो 2-1 एक घात कम की बनाई और बन लिखेंगे नहीं, प्लस 60 6, और t का कितना होता है 1, t का कितना हो जाता है 1, और प्लस 3 अकेला कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो गया 0। यही बच्चों वेग हो गया। तो वेग v बराबर dx बटे dt बराबर कितना, 5×10t + 6, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। बात समझना ध्यान से, अब पूछा है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग कितना होता है बच्चों, प्रारंभिक वेग का मतलब, प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा, t बराबर 0 पर वेग। तो ये जो वेग की समीकरण आई, ये वेग ही तो आया, इसमें t की जगह 0 रख दें, यानी 0 समय पर कितना वेग है, यानी भिन्न भिन्न समयों पर वेग भिन्न भिन्न है, यहां से पता लग रहा है। t का मान बदल बदल के रखोगे तो v का मान बदल बदल के मिलेगा। अब t बराबर 0 पर रख रहे हो, यानी इसमें t बराबर 0 रखा बच्चों, तो 10×0+6 बराबर कितना आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। अब t बराबर 10 सेकंड पर भी वेग पूछा है, तो t बराबर 10 सेकंड पर वेग v बराबर, तो इसमें क्या करें, t की जगह 10 रख दें, यानी 10t + 6 बराबर 10×10+6 बराबर 100+6 बराबर 106 मीटर प्रति सेकंड। तो 106 मीटर प्रति सेकंड होगा बच्चों, t बराबर 10 सेकंड पर वेग। अब t बराबर 10 सेकंड पर त्वरण और निकालना है, तो त्वरण dv बटे dt निकाल लें। तो देखें v कितना निकाला था हमने, v बराबर निकाला था 10t + 6। तो अब v का कर दें, dv अपॉन dt निकाल लें, यानी v का t के सापेक्ष कर दें, v का t के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, लिख लेना आपने आप, करने पर डॉट डॉट कर दिया, तो क्या मिलेगा dv, एक सेकंड बच्चों, क्या मिलेगा यहां से, dv अपॉन dt बराबर 10t, t का कितना होता है बच्चों 1, अब 10 रह गया केवल, ध्यान से समझना, 10t लिखा है ना,
तो 10t का मतलब t का अवकलन 1 होता है t के सापेक्ष, और ये रह गया 10 संग में था तो संग में रहेगा, प्लस ये 6 जो हैं बच्चों, ये 6 ये कांस्टेंट हैं, अकेले हैं, किसी चर के साथ नहीं है, तो उसका अवकलन 0। तो बराबर यही हो गया त्वरण, बराबर 10, यही हो गया त्वरण। तो त्वरण ए बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें टाइम का कोई पद नहीं आया बच्चों, जैसे वेग में टाइम का पद आया था, तो भिन्न भिन्न समय पर वेग भिन्न भिन्न आया था, लेकिन इसमें 10 आया, केवल कांस्टेंट आया, यानी जो त्वरण है वो कैसा है, अचर है, बदल ही नहीं रहा। तो चाहे टी बराबर 10 सेकंड पर देखो, चाहे 20 सेकंड पर देखो, चाहे 5 सेकंड पर देखो, चाहे 2 सेकंड पर देखो, इतना ही रहेगा, यानी एक समान त्वरित गति हो रही है, यानी ये जो समीकरण है वो एक समान त्वरित गति की हुई, एक समान त्वरित गति है, एक समान त्वरित गति, यानी वेग एक नियत दर से बढ़ रहा है। तो ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अचर हो गया, तो यही 10 सेकंड पर यही इतना ही होगा, यानी टी बराबर 10 सेकंड पर त्वरण ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 सेकंड पर पूछे तब भी इतना ही, क्योंकि यहाँ टी रखने का कोई पद ही नहीं बचा। अब मान लो ऐसे आ जाता त्वरण हल करके, मान लो ऐसे आ जाता a बराबर 5t प्लस 7, इस टाइप से आ जाती कोई इक्वेशन, तो यहाँ t के भिन्न भिन्न मानों पर a भिन्न भिन्न होता, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट आ गया ना, यहाँ जैसे t बराबर 0 पर 0 रखते तो 7 आ जाता, t बराबर 0 पर, t बराबर 1 सेकंड पर a कितना आता, एक रखोगे तो 5 और 7 12, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, ये कब, जब समय का कोई उसमें टर्म होता, तो यहाँ समय का कोई टर्म ही नहीं है, यानी कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ अनियमित त्वरित गति हो रही है, तो इसे हटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए था। समझ गए ना बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा इंटरेस्ट आया होगा देखने में, पहले कितना कठिन लग रहा था, अब अवकलन से देखो कितना आसानी से पता लग गया। तो इस गति के बारे में हमें एक बात और पता लगी बच्चों, कि यानी ये गति एक समान त्वरित गति है, यानी एक समान त्वरित गति है, तो इसका XT ग्राफ जो है, XT ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा होगी। XT ग्राफ अगर खींचें इस अक्ष पर T और इस अक्ष पर X, तो एक समान त्वरित गति है बच्चों, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, एक सरल रेखा, सॉरी हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्स और टी के बीच में है, एक्स और टी के बीच में, तो जो पोजीशन है बच्चों वो इस हिसाब से बदल रही है और वेग बढ़ रहा है, तो एक्स टी ग्राफ इसका इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे वक्र, एक समान त्वरित गति है ना, एक समान गति नहीं है इसलिए, और वेग बढ़ रहा है तो ऐसे होगा। अब VT ग्राफ खींचें तो VT ग्राफ एक सरल रेखा आएगा, ठीक है ना, अगर इसी का, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, VT ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि ये ग्राफ पढ़ना मैंने सिखा दिया है, VT ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा, क्योंकि ये सरल रेखा की समीकरण है, 10t प्लस 6 जो एक्स अक्ष पर, जो वाई अक्ष पर 6 अंतःखंड काट रही है, वाई बराबर mx प्लस c टाइप से, तो VT ग्राफ एक सरल रेखा आएगा, क्योंकि त्वरण नियत है और कुछ कोण बनाते हुए आएगा, क्योंकि त्वरण नियत है, ठीक है ना, इसकी जो ढलान होगी वो त्वरण बताएगी। चलिए इन बातों से कंफ्यूज मत होइए, हमारा क्वेश्चन यही हो गया, क्या कि प्रारंभिक वेग 6 आ गया और टी बराबर 10 सेकंड पर वेग 106 आ गया और त्वरण हमारा 10 आ गया, जो कि नियत है, चाहे किसी भी समय पर निकालिए। तो जल्दी से बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों एक और प्रॉब्लम करते हैं कि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण का समय t पर विस्थापन x बराबर tq माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 है, यानी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो क्या दे रखा है, विस्थापन की समीकरण कि x बराबर tq माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 है। तो कण का उस समय वेग ज्ञात कीजिए, यानी क्या पूछा है, वेग v बराबर वेग पूछा है,
जबकि उसका त्वरण शून्य हो। जब त्वरण शून्य है, इसका त्वरण कहीं कभी शून्य होगा, उस समय वेग कितना था जैसे ही त्वरण शून्य हुआ, तो ए बराबर जब जीरो था तब वी निकालिए। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। हाँ एक बात और, यहाँ इस क्वेश्चन में लिखना भूल गए कि यहाँ एक्स मीटर में है और समय सेकंड में है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्स किस में है, मीटर में, और टाइम है सेकंड में। आप लिख लेना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर एक्स किलोमीटर में है और ये घंटे में, तो हमारी जो स्पीड निकल के आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। लेकिन यहाँ कह रखा है कि एक्स मीटर में है और टी है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आएगी बच्चों। तो देखें, अभी मैंने बताया कि वेग होता क्या है, वेग वी बराबर होता है डी एक्स बटे डी टी। तो यानी यहाँ क्या करें, एक्स का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमें डी एक्स बटे डी टी मिल जाएगा। डी एक्स बटे डी टी बराबर टी क्यू को आप जल्दी से सीख गए, थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिक्स टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू टी स्क्वायर का टू टी प्लस थ्री, और टी का होता है बच्चों वन, ये तो सीख चुके होंगे। तो थ्री रह गया केवल, उसका वन हो गया, इंटू वन लिख लो, प्लस फोर का जीरो हो गया, अकेला कॉन्स्टेंट है। तो यही वेग हो गया। तो वेग वी बराबर भाई डी एक्स बटे डी टी ही तो वेग होता है। तो वेग v बराबर कितना आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12t प्लस 3, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये वेग आया। लेकिन ये कह रहा है कि त्वरण शून्य हो उस समय बताओ। अब आपको पता है कि त्वरण कितना होता है, a बराबर dv बटे dt, वेग परिवर्तन की दर। तो इसका अब इस v का t के सापेक्ष एक बार पुनः अवकलन करते हैं। तो v का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखें यहां पर dv ओवर dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, 3 इंटू टी स्क्वायर का 2t माइनस 12 t का 1, 3 कॉन्स्टेंट, इसका हो गया 0, और यही हो गया त्वरण। त्वरण a बराबर अभी लिखा था a इक्वल्स टू dv ओवर dt, तो ये त्वरण हो गया। तो त्वरण a बराबर 6t माइनस 12 रह गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब त्वरण शून्य है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रश्नानुसार a बराबर शून्य, और a की वैल्यू कितनी है, 6t माइनस 12 बराबर शून्य, तो 6t बराबर 12। आगे अभी सॉल्व करते हैं, 6t इक्वल्स टू 12, दैट इज t इक्वल्स टू 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यानी इस गति में जो त्वरण शून्य हुआ है वो t बराबर 2 सेकंड पर हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करना है। अतः समीकरण एक से, क्योंकि वेग की समीकरण कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अतः समीकरण एक से t बराबर 2 सेकंड पर वेग v बराबर, तो रखें वैल्यू 3 इंटू टी की जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी यानी टी की जगह 2 प्लस 3, तो बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 और 3 15, 15 माइनस 24 तो कितना रहा बच्चों, माइनस के 9 मीटर पर सेकंड। यानी जब इस गति में त्वरण शून्य था उस समय वस्तु का वेग माइनस 9 मीटर पर सेकंड था, नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का अर्थ क्या हुआ कि जो वस्तु है वो, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है यानी जो ओरिजिन है, जो मूल बिंदु है, वस्तु उसकी तरफ आ रही है, उसकी तरफ आ रही है, इसलिए उसका वेग माइनस है। और इधर जा रही होती तो वी पॉजिटिव होता, इधर वी कैसा होगा, नेगेटिव।
और इधर जा रही होती तो पॉजिटिव होता v। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु मूल बिंदु की तरफ, ये पूछा नहीं है, ये केवल मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें तो आप सीख गए कि अवकलन की सहायता से किस तरीके से हम जो एक सरल रेखा में गति वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, आज आप सीख गए कि अवकलन से इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करेंगे। अब बात रह गई है समाकलन की, उसको अगले लेक्चर में सिखाएंगे, क्योंकि जब समाकलन सीख लेंगे तभी समाकलन विधि से इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालना सीखेंगे। जो हमने तीन गति की समीकरण निकाली थी वो तभी क्लियर होंगी जब समाकलन। तो पहले इस अवकलन को कंप्लीट करके आइए कि अवकलन किस तरीके से किया जाता है, तभी समाकलन समझ में आएगा, क्योंकि समाकलन अवकलन की एक रिवर्स प्रोसेस है। ओके बच्चों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।